हे गाइस, वेलकम बैक टू द पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल। मैं सपना पांडे, आपकी एजुकेटर, आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। जी हाँ गाइस, ये टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडिया से रिलेटेड। गाइस, आपने पिछले लेक्चर्स में कवर किया था ट्रांसमिशन मीडिया का पार्ट वन, जिसमें आपने गाइडेड मीडिया को कवर किया था गाइस। और अब इस वीडियो में आप जानने वाले हैं अनगाइडेड मीडिया, यानी कि ट्रांसमिशन मीडिया का आपने गाइडेड पार्ट तो कवर कर लिया है, पर अनगाइडेड पार्ट का लेक्चर ये है आपके लिए। तो आपको कहीं नहीं जाना है, हमारे चैनल पे बने रहना है और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है अनगाइडेड मीडिया के बारे में जानने के लिए। तो चलिए गाइज, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, प्रीवियस सेशन में बताया था कि ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है। ये एक ऐसा वातावरण होता है, कह ले भौतिक होता है या विदाउट फिजिकल पाथ के होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपना डेटा ट्रेवल करते हैं, उसको ट्रांसमिशन मीडिया कहा गया। ये दो प्रकार का होता है गाइस, जिसमें आपने पढ़ा था गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया ऐसे मीडिया जिसमें फिजिकल पाथ प्रोवाइड होता है, जिसकी मदद से डेटा वायर के जरिए एक जगह से दूसरे जगह तक अपना डेटा ट्रेवल कराती है। अब वो ट्विस्टेड पेयर केबल की मदद से करे, या कॉक्सियल केबल का हेल्प ले, या फिर हो फाइबर ऑप्टिक्स केबल, या फिर गाइस बात कर लें, वो हो गया आपका गाइडेड मीडिया। और हम अनगाइडेड मीडिया में अब पढ़ने वाले हैं कि ऐसा कोई मीडियम जो कि फिजिकल पाथ प्रोवाइड ना करे, मींस ये एक ऐसा मीडियम है जिसमें हमें वायर नहीं मिलते, केबल नहीं मिलता डेटा ट्रांसमिशन के लिए। तो फिर ये काम कैसे करती हैं, इन्हीं के बारे में हम जानेंगे गाइस। तो ऑब्वियसली हमारे वीडियो में बने रहिए। जैसा कि गाइस, आप इसका चार्ट भी प्रीवियस सेशन में देख चुके हैं। गाइडेड मीडिया में तीन हो गए थे आपके, ट्विस्टेड पेयर केबल, कॉक्सियल और फाइबर ऑप्टिक्स। वहां आपका अनगाइडेड मीडिया में पढ़ेंगे रेडियो वेव, माइक्रोवेव और सैटेलाइट वेव। तो चलिए अब एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके हम डेफिनेशन के साथ इसको देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स आर अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेस्ट नोन फॉर देयर यूज इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज सच एज टेलीविजन, मोबाइल फोन्स एंड रेडियोज। दिस डिवाइस रिसीव्स रेडियो वेव एंड कन्वर्ट देम टू मैकेनिकल वाइब्रेशन इन द स्पीकर टू क्रिएट साउंड वेव्स। हिंदी में देख लेते हैं गाइस, रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक प्रकार है, जिसे संचार प्रौद्योगिकियों जैसे कि टेलीविजन, मोबाइल फोन्स और रेडियो में उनके उपयोग के लिए जाना जाता है। ये उपकरण रेडियो तरंगों को प्राप्त करते हैं और उन्हें ध्वनि तरंगों को बनाने के लिए स्पीकर में यांत्रिक कंपन में परिवर्तन करते हैं। गाइस, ये तो थी इसकी डेफिनेशन, लेकिन आई थिंक समझ में तो आया नहीं होगा, सर के ऊपर से गया होगा। तो चलिए अपने लैंग्वेज में इसको समझते हैं। गाइस, जो रेडियो वेव होती है, इसकी एडवांटेज बहुत हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको, तो रेडियो वेव सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। अगर हम बात करें रेडियो वेव कम्युनिकेशन में, अगर किस वेव की यूज की जाती है, तो वो है आपका रेडियो वेव। वेव मतलब गाइस होता है तरंग, यानी कि जो साउंड के जरिए अपना डेटा ट्रेवल करें। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपका रेडियो वेव। तो ये एक ऐसी वेव है जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है, यानी कि आप नॉर्मल घर में जो यूज करते हैं नेटवर्किंग डिवाइस में, जो इंटरनेट आप नेटवर्क का यूज करते हैं, वो सारी आपकी होती हैं रेडियो वेव्स। तो ये आपका टेलीविजन, जो गाइस एंटीना लगा होता है, वो क्या करता है, आपके टेलीविजन के ऊपर सीडी वगैरह रखी होती है, जिससे वो कैप्चर करके आपको रेडियो सिग्नल भेज के फिर आपको फिल्म दिखाता है। तो गाइस, जो आपकी रेडियो वेव होती है, वो टेलीविजन के लिए यूज होता है। टेलीविजन में कैसे यूज होता है, एंटीना लगा होता है जो कि सिग्नल को कैप्चर करके और डेटा को टेलीविजन सेट तक पहुंचाता है। देखिए, एक डिवाइस लगी होती है, टेलीविजन भी होता है, उसके ऊपर एक डिवाइस लगी होती है, जैसे आप लोग सीडी वगैरह बोलते हैं। मोबाइल फोन में भी गाइस यूज किया जाता है। जब हम लोग मोबाइल फोन का यूज करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह बात करते हैं, तो वो डेटा आपका रेडियो वेव के थ्रू ही जाता है। और ऐसे कई सारे उपकरण या डिवाइसेस बोल लें जो कम्युनिकेशन में काम आती है, वो आपकी रेडियो वेव के जरिए ही ट्रेवल होती है। गाइस, दो तीन चीजें मैं बताना चाहूंगी। रेडियो वेव जो होता है, बहुत आसानी से जनरेट किया जा सकता है।
आपने देखा होगा, अगर आपने मूवीज देखा होगा, सीआईडी या कुछ ऐसा देखा होगा, जब लोग पहाड़ों में फंस जाते हैं तो अपना वॉकी टॉकी लेके या कोई ऐसा फोन रेडियो बना लेते हैं, जिसके जरिए रेडियो सिग्नल के द्वारा क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह अपना डेटा ट्रेवल करवाते हैं। समुद्रों में गाइस क्या होता है, नेवी हमारी या जो लोग समुद्र में रहते हैं वो क्या होते हैं, रेडियो सिग्नल का ही यूज कर पाते हैं, अपना मैसेज रिकॉर्ड करते हैं, देन भेजते हैं, क्योंकि वहां टावर नहीं लगे होते हैं। और जो ये रेडियो वेव होता है गाइस, ये थोड़ा सा सिग्नल अगर इसको मिल जाता है तो ये क्या कर देता है, कैप्चर कर लेता है और आपका डेटा भेजने में मदद करता है। तो ये है गाइस रेडियो वेव। अभी मैं समझाऊंगी कि रेडियो वेव आता कैसे है, हमारे घर तक कैसे पहुंचता है, ये सारा प्रोसेस अभी होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाइस, रेडियो वेव में कितनी अच्छी होती है। और इसमें गाइस मैं आपको कुछ और एडवांटेज बताना चाहती हूँ। पहले मैंने कहा आसानी से जनरेट किया जा सकता है, दूसरा आप कॉपी कलम लेके बैठेंगे और इसको नोट डाउन करेंगे गाइस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बोलने वाली हूँ, आप स्क्रीनशॉट तो ले नहीं सकते मेरे वॉइस का, तो आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन करना। पहला क्या है कि ये आसानी से जनरेट किया जा सकता है, दूसरा क्या होता है गाइस, ये पेनीट्रेट होता है। पेनीट्रेट का मतलब होता है जो सॉलिड ऑब्जेक्ट को पार कर दे। आप लोग रूम में बैठ के बात करते हैं तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम छत पे ही जाते हैं तभी हमसे बात हो पाती कॉलिंग से, ऐसा तो नहीं होता है। मतलब रेडियो वेव क्या होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट को पार कर सकती है। तीसरी गाइज, ये ओमी डायरेक्शनल होती है। ओमी डायरेक्शनल मतलब ये चारों दिशाओं में अपना डेटा ट्रेवल कर सकती है। ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन में ही डेटा ट्रेवल करेगी, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो तीन चीजें आपको समझ में आई। सबसे पहली बात तो ये कहीं आसानी से जनरेट हो जाती है, दूसरी बात गाइज ये क्या करते हैं, ओमी डायरेक्शनल होता है, तीसरी बात ये पेनीट्रेट होता है। तो आपको ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। चलते हैं माइक्रोवेव की ओर बढ़ते हैं गाइस। आप पढ़ेंगे इंग्लिश में, माइक्रोवेव्स आर अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एज आर रेडियोवेव्स अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, एक्सरे एंड गामा रेज। माइक्रोवेव्स हैव अ रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन रडार एंड परहैप्स बट नोन बाय मोस्ट पीपल कुकिंग इटीसी। गाइस हिंदी में देखेंगे, माइक्रोवेव्स एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण है, जैसे कि रेडियो तरंगे, परावैगनी विकिरण, एक्सरे और गामा किरणें। माइक्रोवेव में संचार शायद ज्यादातर लोगों द्वारा सबसे अच्छा माना जाता है, खाना पकाने आदि अनुप्रयोगों में एक श्रृंखला है। गाइस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी माइक्रोवेव क्या होता है अपने लैंग्वेज में। माइक्रोवेव ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है गाइस। और जो गाइस माइक्रोवेव होता है ये भी क्या करता है, सबसे पहले तो इसका भी यूज रडार वगैरह में किया जाता है। आपने देखा होगा मूवीज में रडार में जो कैप्चर किया जाता है वो रडार में यूज किया जाता है। और दूसरी बात कम्युनिकेशन में भी यूज किया जाता है। तीसरी बात ये खाना पकाने वगैरह में भी यूज किया जाता है। आपने माइक्रो ओवन का नाम सुना होगा, तो ये इसी पे बेस्ड है गाइस। और कुछ बातें जो होती है माइक्रोवेव की, कि माइक्रोवेव क्या होता है, पेनीट्रेट नहीं होता है। दूसरी बात पेनीट्रेट मतलब होता है लेकिन बहुत अच्छे से नहीं होता है। दूसरी बात ये स्ट्रेट लाइन में डेटा ट्रेवल करता है। तीसरी बात ये आसानी से जनरेट नहीं किया जा सकता, इसके लिए कुछ डिवाइसेस की यूज हमें पड़ती है। तो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है, पेनीट्रेट होता है लेकिन एकदम से पेनीट्रेट नहीं। दूसरी ये बात है गाइस कि ये क्या होता है, ओमी डायरेक्शनल नहीं होता है। अब हम इसको इमेज की मदद से समझेंगे। अब देखा आपने गाइस, अब आपको कुछ समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे दो टावर हैं, यानी कि दो या दो से अधिक टावर जो लगे होते हैं गाइस, और उनके बीच में जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो रेडियो वेव नहीं होता गाइस, वो होता है माइक्रोवेव। अब देखिए मैंने कहा कि क्या होता है आपका ये एग्जैक्टली हम बोले तो पेनीट्रेट इतना ज्यादा नहीं होता। जैसे अगर मौसम खराब हुआ या क्या होता है कभी कभी गाइस, कोहरा हो गया या क्या होता है बहुत ज्यादा धूप हो गई, धूप तब भी चल जाता है, पर अगर बारिश हो गई गाइस, कोहरा अब काफी ज्यादा हो गया, तो ये क्या कर देता है, ये आपको उतने अच्छे से नेटवर्क प्रोवाइड नहीं कर पाता, दैट मीन्स कि इसका ब्रेक हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो आपका ये एग्जैक्टली मैं कहूँ तो पेनीट्रेट नहीं होता है, क्योंकि ये कोहरा हो गया, बारिश हो गया, उसको झेल नहीं पाता। दूसरी बात गाइस, हमेशा टावर
देखिए एक समान ऊंचाई के लगे होते हैं, आप ये देख रहे हैं एक समान ऊंचाई के होते हैं और इसमें एक लगा होता है जो कैप्चर करता है सिग्नल को, यानी हम कह सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, डेटा को कैप्चर करता है, डेटा ट्रेवल करता है, सिग्नल को ट्रेवल कराता है। इसीलिए टावर हमेशा एक साइज के लगाए जाते हैं ताकि एक जगह से दूसरे जगह सीधे वे में डेटा ट्रेवल हो जाए। ये है गाइज आपका माइक्रोवेव। नेक्स्ट है गाइज आपका सैटेलाइट वेव। आप एक और इमेज आपके सामने मैंने रख दिया है, आप देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो आपका माइक्रोवेव है वो क्या होता है, उसी से आपका रेडियो वेव जनरेट होता है। जैसे आप यहां देख रहे हैं कि टावर टू टावर तो माइक्रोवेव ने काम किया, लेकिन अब हमारे घर तक हमको तो अभी पता चला था कि हमारे घर तक तो रेडियो वेव सिग्नल लेके आता है, तो ऐसे लेके आता है जब टावर से हमारा जो वो सिग्नल एक टावर से दूसरे टावर तक पहुंचता है, और फिर जब हमारे घर तक वो आता है तो वहां पे सबसे ज्यादा रोल होता है रेडियो वेव का, सबसे ज्यादा क्या गाइस इसी का रोल होता है, क्योंकि मैंने पहले बताया ये पेनिट्रेट हो सकता है, ये ओमी डायरेक्शनल है और ये आसानी से जनरेट हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रोवेव टावर टू टावर चलता है और हमारे घर तक रेडियो वेव चलता है। चलते हैं अब लास्ट आपका देखते हैं सैटेलाइट वेव। देखिए, रेडियो वेव आर यूज्ड टू कैरी सैटेलाइट सिग्नल्स, दीज वेव ट्रेवल एट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड द स्पीड ऑफ लाइट। इफ सेवरल सैटेलाइट लिंक आर यूज द डिले फॉर अ सिग्नल टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड इज अ क्वार्टर ऑफ अ सेकेंड क्वार्टर फॉर ईच सैटेलाइट लिंक यूज। हिंदी में देखेंगे गाइस, उपग्रह संकेतों को ले जाने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। ये तरंगे 300,000 किलोमीटर जो कि लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करती है, इनकी स्पीड ऑफ होती है लाइट की तरह, पर यात्रा करती है। यदि कई उपग्रह लिंक का उपयोग किया जाता है तो दुनिया के दूसरी तरफ से प्राप्त होने वाले सिग्नल के लिए देरी एक दूसरे का एक चौथाई है जो प्रत्येक उपग्रह लिंक के लिए उपयोग किया जाता है। गाइज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं आपको इमेज की मदद से समझाती हूँ तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं गाइज, यहाँ है आपका सैटेलाइट। अब ये क्या करता है, सिग्नल को इसने दिया, सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। आप अक्सर सुनते होंगे इसरो ने आज ये सैटेलाइट लॉन्च की, इसरो ने आज वो सैटेलाइट लॉन्च की, तो मौसम विभाग से रिलेटेड किसी अपने कोई कंपनी, जियो वालों ने अपना लॉन्च करवा दिया। तो ये गाइस क्या करता है, इसीलिए करता है क्योंकि सैटेलाइट क्या होता है, आसमान में होता है तो पूरी अर्थ को क्या करता है, कवर कर लेता है। तो इसीलिए सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है ताकि वो पूरी अर्थ को कवर कर सके अपने सिग्नल के द्वारा। अब सैटेलाइट से तो सिग्नल आ रही है, लेकिन अब सैटेलाइट के सिग्नल को कैप्चर करने के लिए कोई चीज होनी चाहिए। तो जब सैटेलाइट से सिग्नल निकलती है तो गाइज वो भी रेडियो के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में होती है, और जैसे ही टावर से टकराती है वो माइक्रोवेव होती है, और फिर वो एक टावर से दूसरे टावर तक गाइज माइक्रोवेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, और फिर वहां से हमारे घर तक वो रेडियो वेव के फॉर्म में आ जाती है। अब देखिए, कहीं कहीं सैटेलाइट होता है टावर नहीं होते, फिर भी वहां रेडियो सिग्नल कैच कर लेता है, जैसे कि समुद्र की बात हम कर ले, जैसे कि पहाड़ी इलाके की बात कर ले। तो गाइज, मैंने अभी कहा कि जो सैटेलाइट से वेव निकलती है वो भी रेडियो वेव के फॉर्म में निकलती है, तो थोड़ा बहुत भी सिग्नल अगर मिल गया गाइज तो क्या करता है, रेडियो वेव अपने आप को कैप्चर कर लेता है, सिग्नल आप लोगों को प्रोवाइड कर देता है, जिससे आप अपना डेटा इजिली ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। मैं अगेन रिपीट करूंगी, आपका अनगाइडेड मीडिया जो होता है, ऐसे मीडिया जो बिना तार के आपके डेटा को ट्रेवल कराए, साउंड के जरिए, ध्वनि के जरिए, ठीक है। फिर उसमें आपने तीन पढ़ा, सैटेलाइट पढ़ा, माइक्रो पढ़ा, रेडियो पढ़ा। आपने सैटेलाइट में पढ़ा, सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च हो जाती है, उससे सिग्नल निकलता है जो कि रेडियो वेव के फॉर्म में आता है, और जब वो टावर से टकराता है, एक टावर से लेके दूसरे टावर तक, वो माइक्रोवेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, फिर हमारे घर तक अगेन वो आता है रेडियो वेव के फॉर्म में। यानी कि हम ये कह सकते हैं अगर हम डेटा ट्रेवल करा रहे हैं तो सबसे बड़ा रोल उसमें रेडियो वेव का है, यानी कि सबसे ज्यादा काम रेडियो वेव करता है। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा गाइज। प्लीज अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो बस लास्ट वाला हमारा हमेशा की तरह, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।